हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और मैं आप सभी के लिए ऑटोमोटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक्स के बारे में। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ 2020 से लेकर 2025, मतलब विद इन 5 ईयर्स के अंदर रॉयल एनफील्ड अपने कितने सारे, मतलब क्या भी कौन कौन सी तो बाइक्स है वो लॉन्च करने वाली है। हालांकि कुछ बाइक के जो पिक्स है वो भी मेरे पास आ गए हैं। हालांकि जो 9 बाइक्स है वो हमें एज ए प्रोटोटाइप देखने को मिलेगी। फ्रेंड, मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो रॉयल एनफील्ड का जो R&D सेंटर है वहाँ से लीकआउट हुई है। फ्रेंड, रॉयल एनफील्ड अपनी 14 न्यू मोटरसाइकिल जो है वो लॉन्च करने वाली है। मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रिक में देखने को मिलेगी, कौन सी पेट्रोल में देखने को मिलेगी और कौन सी हमें एज ए प्रोटोटाइप देखने को मिलेगी। और काफ़ी सारे फ्रेंड जो बाइक्स है उसके डिजाइन भी लीकआउट हो गए। हालांकि मैं आपके 9 बाइक्स के प्रोटोटाइप भी शेयर करने वाला हूँ जो लीकआउट हो गए हैं, उसमें से आपने एक दो देखी भी होगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड है वो अपने न्यू 40 मॉडल्स जो है वो फिलहाल अभी इंडिया में तो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी डिमांड आ रही है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के लिए। इसलिए मैं जो रॉयल एनफील्ड का जो यूके सेंटर है, मतलब जो यूके R&D सेंटर है, वहीं पे इसको मैक किया जा रहा है, मतलब वहीं पे इसको R&D किया जा रहा है और फर्स्ट टाइम जो है वो हमें यूरोपियन मार्केट्स में ही देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ टाइम बाद हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है। फ्रेंड, यूरोप के अंदर रॉयल एनफील्ड के 400 डीलर्स है और अराउंड 10,000 बाइक्स उन्होंने वहाँ पर सेल भी कर दी है। इसलिए फ्रेंड वहाँ पे जो है वो जल्दी हमें कुछ न्यू बाइक्स भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक जैसे जैसे लॉन्च होगी वैसे वैसे मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, हाल ही में हमें रॉयल एनफील्ड की जो मीटर 350 है वो इंडिया में देखने को मिलती है और वो थंडरबर्ड की रिप्लेसमेंट है। हालांकि ये मॉडल हमें ग्लोबली भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ न्यू 650 ट्विन बेस जो है वो फ्लैट ट्रैकर बाइक लॉन्च करने वाली है। मतलब जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है वो अपनी 650cc की फ्लैट ट्रैकर बाइक जल्दी लॉन्च करने वाली है। उसके बाद अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूँ तो फ्रेंड, जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है उसका और फ्रेंड उसके बाद अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूँ तो फ्रेंड, जो रॉयल एनफील्ड कंपनी का जो हिमालयन मॉडल है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड, हिमालयन मॉडल का अगर मैं बिगर कैपेसिटी मॉडल के बारे में बात करूँ तो वो हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड, जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है वो अपना बिगर वर्जन का जो हिमालयन एडवेंचर मोटरसाइकिल है वो जल्दी लॉन्च करने वाली है। उसके बाद मैं बात करूँगा फोर्थ नंबर पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में। फ्रेंड, जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है वो जल्दी अपने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने वाली है। हालांकि कुछ टाइम से जो उसका टेस्टिंग है वो हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, पर फ्रेंड फोर्थ नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी। उसके बाद में बात करने वाला रॉयल एनफील्ड का जो आपने हाल ही में कॉन्सेप्ट देखा होगा KX वर्जन, और जो रॉयल एनफील्ड का जो कॉन्सेप्ट KX था उसका हाल प्रोडक्शन वर्जन जो है वो जल्दी देखने को मिलेगा। इसका प्रोडक्शन वर्जन के जो पिक्स है वो भी मेरे पास आ गए हैं कि फ्रेंड प्रोडक्शन वर्जन में आपको किस तरह की देखने को मिलेगी वो भी मैं आपके शेयर करने वाला हूँ। अब उसके बाद जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है वो अपनी एक एंट्री लेवल स्लिमर और जो लाइट वेट मोटरसाइकिल वो जल्दी लॉन्च करने वाली है। हालांकि जो बाइक है वो इंडिया में हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल सकती है। फिर अभी तक जो मैंने अपकमिंग बाइक्स बताई ये इंडिया में और ग्लोबली जो है वो लॉन्च होना कन्फर्म हो गया है वो मैंने आपको बताया। फिर अब मैं आपके एक ऐसा पिक शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर हमें 9 प्रोटोटाइप्स देखने को मिलते हैं और यही जो 9 प्रोटोटाइप्स है वो हमें विद इन 5 ईयर्स के अंदर ऑन रोड या फिर प्रोडक्शन वर्जन में देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, इसमें जो थर्ड नंबर का जो प्रोटोटाइप आप देख रहे हो उसका ही प्रोडक्शन वर्जन जो है वो रॉयल एनफील्ड इसी साल के ईयर एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाली है। तो फिलहाल तो रॉयल एनफील्ड के बारे में इतनी न्यूज़ आई थी जो मैंने आपको बताया। फ्रेंड, और भी अगर ऐसे ही कुछ आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ या फिर ऑटो न्यूज़ के बारे में जानना हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।